हेलो गाइस, कैसे हो? आपका दोस्त सलीम खान। गाइस, ये देखिए, अगर आपके कूलर की किट खराब हो गई है और आप किट लगाना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से खुद किट फिट कर सकते हैं। तो ये रवि कंपनी की हमारे पास किट है। ये देखिए, रवि कंपनी की ये थ्री थ्री स्पीड क्या में रेट है? आपको मोटर मिलेगी। ये देखिए, ये मोटर है इसके अंदर, रवि कंपनी की। ये थ्री स्पीड की मोटर है। ये देखिए, थ्री स्पीड की मोटर है और कंडेंशन भी काफी बेहतरीन लगा हुआ है। 4 MFD का कंडेंसर है। आप इसे आराम से लगा सकते हैं। जहां पर आपकी किट फिट कितना हुई हुई है, आप वहां से इसे खोल सकते हैं। यहाँ पर ये नट बोल्ट दिए गए हैं, जो कि इसमें चार रेंज पत्ती का होती होगा? है। चारों पत्ती पे से नट बोल्ट हटाकर आप इसे वहां उस जगह पर लगा सकते हैं। और ये जो कंडेंसर होता है, यह कंडेंसर उसी जो पत्ती लगी होती है, ये उसी के साथ टेप लगाई जाएगी और उसमें बांधा जाएगा। बाकी बचता है अर्थिंग का तार। ये देखिए, पानी ये इसका अर्थिंग का तार है। ये बोर्ड में खुद ही ऑटोमेटिक टच हो जाएगा, इसमें अर्थिंग की जरूरत तो पड़ती नहीं। ऑटोमेटिक बॉडी से टच होता है। और रहा मसला भी इसका, आपका कनेक्शन होगा। तो ये देखिए, ये कोई भी 3 फेज की मोटर होती है तो उसके अंदर क्या होता है, इसमें एक तार चेंज कर दिया गया है इसके अंदर। ये देखिए, जबकि एक नीला तार होता है, एक ब्लू ब्लैक तार होता है, एक पीला कलर का और एक रेड कलर का। होता क्या है, बहुत सी मोटरों में पीले की जगह पे सफेद तार होता है। तो जो बिल्कुल इसमें जो कॉमन तार होगा आपका, जो मेन होगा, तो वो कॉमन तार आपका ये नीला होगा इसके अंदर। ये बिल्कुल देखिए, ये नीला आपका मेन तार रहेगा। और बाकी ये जो दो तार हैं, ये तीन तार हैं, ये आप रोटरी पर लगा सकते हैं। ये 3 स्पीड के तार हैं। मेन तार जो होगा वो ये होगा। अगर आपके यहाँ रोटरी स्विच नहीं है और आप इसे डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो तब भी आप लगा सकते हैं। एक ब्लू कलर में लगाएं और एक ब्लैक कलर में, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो फुल स्पीड का होता है, 3 स्पीड का होता है। और नहीं, तीनों तार कभी भी, एक गलती मत करें, अगर आपने तीनों तार एक जगह कर दिया तो मोटर को, आपको खतरे में चली जाएगी आपकी मोटर। बहुत से मिस्त्री क्या करते हैं, इन तीनों तारों को एक जगह बांध देते हैं, तो जबकि वो गलत है। आप अगर आप इसको, आपके पास रोटरी स्विच नहीं है, तो आप एक ब्लू कलर में लगाए और एक ब्लैक कलर में, तो ये आपकी फुल स्पीड देगा। तो इसका कनेक्शन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपको हल्की स्पीड चाहिए, फिर आप रेड कलर का या फिर पीले कलर के में आप लगा सकते हैं। तो ये आपके कनेक्शनों की जो जानकारी दी है मैंने। और बाकी अगर आपके पास रोटरी लगी हुई है, तो ये आपका जो ब्लू कलर का तार है, ये आपका मेन रहेगा और ये आप रोटरी में लगा सकते हैं। रोटरी में ये स्विच 3 स्पीड की है, आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सब पर काम करेगी। और ध्यान रहे, ये जो इसके जो पैंच हैं, ये आपको ढीले नहीं छोड़ने हैं, ये बिल्कुल फ्रेम पर टाइट कर देना है, नहीं तो ये कपलिंग करेगी। और जो ब्लेड है आपके, ब्लेड को जो है कम से कम इतना ये ब्लेड से सपाट बाहर रहनी चाहिए, तो आप बहुत आसानी से फिर कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये रवि कंपनी की मोटर है, आपको जो मैंने कनेक्शन बताए हैं वो तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो एक बार और कनेक्शन कंफर्म करा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये मोटर में से लीड आ रही है निकल के। ये देखिए, इसमें जो ब्लू कलर का है, ये हमारा मेन तार है और ये आपके जो है स्पीड के तार है। अगर आपके पास स्विच नहीं है, रोटरी स्विच, तो आप इसको जो है ब्लैक कलर को नीले कलर में दोनों को तार बांध के आप इसे चला सकते हैं और इन पे टेप लगा दें तो ये आपके डायरेक्ट चल जाएगी। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो।